ये रिफ्लेक्टर है, ये मैंने घर पे बनाया है, बाहर मिलता नहीं है। ये रिफ्लेक्टर मैंने लिया 80 रुपीज़ का एक, उसके अंदर LED इंस्टॉल किया। को पूरा डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो उसमें से कैसे ये बनाने का है। तो मैंने इसको घर पे बनाया है। अभी ये हम इधर ये बाइक में इधर मडगार्ड पे इंस्टॉल करेंगे। ये डीओ का रिफ्लेक्टर दोनों पॉइंट्स है, हम इसे क्रॉस कर देंगे। ये वायर इसके अंदर से तो नहीं जा सकता है, तो हम इसमें से ही क्रॉस करेंगे इसको। ये ऐसे चले आएगा, फिर इसको हम ये स्क्रू सॉरी ये बोल्ट है इधर, ये बोल्ट को हम खोलेंगे, फिर इसके अंदर से ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे। इधर अंदर बैटरी है और इग्निशन स्विच भी है, तो इसको खोलते हैं पहले। फिर ये वॉशर और ये नट दोनों इसमें लगाने का है। फिर इसको ये 8mm के रिंग पैनल से मैं टाइट कर दूँ, टाइट फिट हो गया। तो देखो फिर इसको हमें ये मडगार्ड टाइट करना है। हम ये इसको ड्राइवर से इतना हिस्सा खोलेंगे, मतलब ये फेयरिंग जो ये हमने खोल दिया पूरा, इसको हम निकाल लेंगे। देखो मैं ये दोनों वायर जैसे निकाल लिए हैं। अभी दोनों वायर को ये जो ब्राउन वाला है ये दोनों पॉजिटिव है, ये जो दोनों सिल्वर वाला है ये दोनों निगेटिव है। तो पॉजिटिव को इग्निशन के ये इग्निशन के पॉजिटिव में लगाना है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इग्निशन के पॉजिटिव पे लगाना है। और ये जो निगेटिव है निगेटिव के इधर बैटरी के निगेटिव पे लगाने का है। तो अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। ये देखो ये चालू हो गया, कितना कूल लग रहा है। अब इसको चाबी बंद कर देंगे, बंद हो गया, चालू हो गया, बंद हो गया। तो ये हमारा सिस्टम पूरा रेडी हो गया है, पूरा फिनिश कवर कर लिया हमने। इसको कैसा लगाने का है, क्या प्रोसीजर है, तो ऐसा आप घर पे लगा सकते हैं। तो उसको भी पैकिंग करेंगे, पेयरिंग लगाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, कैसे लगाना है क्या करना है प्रोसीजर आपको पता चल गया रहेगा। उसको हमने लगा दिया है, आप इधर भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। रिफ्लेक्टर लाइट बोल सकते हो, DRL मैंने DRL लगाया है। तो ऐसे आप लगाने के आपको आप घर पे सब कर सकते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह रहेगा मेरा वीडियो देखकर। चलो ठीक है, बाय।